अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस शदीद तरीन गर्मी में इंसान मेल्ट हो रहे हैं तो बेचारी व्हिपिंग क्रीम क्यों ना मेल्ट हो, लेकिन मेरे केक्स की व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा क्योंकि मैंने एक एक सेकेंड में बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं आपको। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आजकल एक बड़ा वायरल हैक चला हुआ है व्हिपिंग क्रीम में। अगर हम कॉर्नफ्लोर डाल के इसको कुक करें, ठंडा होने पर इसको व्हिप करके एक व्हिपिंग क्रीम में ऐड करें तो क्रीम जो है वो स्टेबल रहती है, लेकिन मेरी तरफ से ये नॉन रिकमेंडेड है। ये एक बहुत बड़ी खप है, एक्स्ट्रा खप है, और ये मैंने रिकमेंड क्यों नहीं किया ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं व्हिपिंग क्रीम जो यूज़ करती हूँ ये मिल्कीज की है, बेक हाउस की प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से डीफ्रॉस्ट कर लिया था। मैंने क्रीम को फ्रीज़र से निकाल के 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। रूम टेम्परेचर पे आपने इसको नहीं छोड़ना, फ्रिज में रखना है। इससे क्या है कि क्रीम मेल्ट भी हो जाएगी और वो ठंडी भी रहेगी। और आपने 2 अदद बर्तन ले लेने हैं। एक आपने लेनी है स्टील वाली पतीली, ठीक है, जिसमें हमने क्रीम को व्हिप करना है। और एक नीचे इसके नीचे कोई बोल ले लेना है, वो स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, जो भी हो, ठीक है। उसमें हम डालेंगे बर्फ़। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मैं इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले जो है मैं क्रीम को ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, क्रीम को खोलने से पहले ना मैंने इस बॉक्स को अच्छे तरीके से शेक भी कर लिया था। इससे यह है कि सारी क्रीम जो है वो अच्छे तरीके से कम्बाइन हो जाती है। और फिर मैंने इसको खोल के फ़ौरन से इसको जो है व्हिप करना है, बीट करना है। तो यहाँ पर मैंने मशीन ऑन की और वो मशीन ऑन होने का नाम ही ना ले। मैंने बार बार ट्राई किया, मैंने कहा अभी तो मैंने ये न्यू मशीन दी है, अभी से ख़राब हो गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि भाई मैं इसमें सेल निकाल के रख देती हूँ। तो अच्छा, सेल मैं इसलिए निकालती हूँ कि ये जो है ना सेल की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। अगर मशीन के अंदर ही सेल रहते हैं तो वो मेरे विद इन वीक सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, मुझे 1 हफ्ते के बाद दोबारा लेने पड़ते हैं। भाई सेल भी बड़े महंगे हो गए हैं तो हमें थोड़ी सी कंजूसी, अरे नहीं नहीं बचत करनी ही पड़ती है, बचत कहूँगी। तो इस तरीके से मैं सेल निकाल के रखती हूँ और जब ज़रूरत आती है तब मैं सेल डालती हूँ, तो सेल भी थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए काम चल जाते हैं। अच्छा जी, 150 ग्राम मैं व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मेरी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल लिक्विडी सी है, पतली सी है, जैसे ये होती है, ठीक है। इसमें आइस क्रिस्टल नहीं है, लेकिन ये क्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी है। अच्छा जी, और यहाँ पे मैंने जो वो बोल लिया था उसमें मैंने डाल दी है बर्फ़, क्योंकि मेरी व्हिपिंग क्रीम कम है तो मैंने थोड़ी सी बर्फ़ दी है। अगर आप लोग ज़्यादा व्हिप क्रीम चूज़ कर रहे हैं, इसको व्हिप करना है, तो आप लोगों ने बर्फ़ की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। मैंने बर्फ़ के बड़े बड़े से पीसेस ले लिए हैं, तकरीबन 1 ग्लास के बराबर जो है वो बर्फ़ मैंने टुकड़ों में डाल के ली हुई है। और इसमें मैंने 1 ग्लास पानी लिया है, लेकिन ये मुझे पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था तो इसलिए मैंने 1/2 ग्लास पानी निकाल लिया। पानी का इस्तेमाल आपने इसलिए करना है कि बर्फ़ तो है ना वो इधर उधर हो जाती है, लेकिन पानी जो है वो ठंडा यख होगा, वो ठंडा पानी जो है हमारी स्टील की पतीली को लगेगी, तो वो स्टील की पतीली ठंडी रहेगी तो जिसकी वजह से क्रीम भी ठंडी होगी। तो सबसे पहले पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक दफ़ा फिर से, कि आपने क्रीम को थॉ करना है, डीफ्रॉस्ट करना है तो फ्रिज में करना है, ठीक है, फ्रिज में रखना है उस क्रीम के बॉक्स को। दूसरा, आपने स्टील की पतीली लेनी है, स्टील का बॉल लेना है, स्टील का कटोरा लेना है, लेकिन वो स्टील होना चाहिए, सिल्वर का, एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए। उससे यह है कि अगर आप उसमें व्हिप करेंगे तो उनकी पॉलिश उतरेगी और क्रीम काली हो जाएगी। स्टील की कोई पॉलिश नहीं होती, ये स्टेनलेस स्टील है, तो इसलिए ये बड़ी अच्छी सी व्हिप होती है। और स्टील बहुत जल्दी ठंडा होता है और काफ़ी देर तक ठंडा रहता है, तो आपने स्टील का यूज़ करना है, ठीक है। बर्फ़ पी लेनी है, चौथा पॉइंट ये हो गया। और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करना है और इसको फुल स्पीड पे आपने व्हिप करना है, बीट करना है। अच्छा जी, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई कॉर्नफ्लोर और व्हिपिंग क्रीम को कुक करने वाली जो आजकल हैक चला हुआ है वो मैं इसलिए यूज़ नहीं करती कि देखें, अब कंपनी ने एक चीज़ बनाई है व्हिपिंग क्रीम, उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको किस रूम टेम्परेचर पर आपने बीट करना है, व्हिप करना है, वो सारा कुछ जो है ऑलरेडी कंपनी ने मेंशन किया होता है। अगर हमें इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत होती तो वो कंपनी ख़ुद इस बॉक्स के ऊपर लिख देती कि आपने इंस्ट्रक्शंस में कि आपने इसके अंदर ये चीज़ ऐड करनी है तो आपने क्रीम को व्हिप करना है, तो आपकी क्रीम जो है अच्छे से व्हिप होगी। नहीं भाई, हाँ उन्होंने साफ साफ बताया होता है कि
इस क्रीम का जो टेम्परेचर होता है ठंडा होना चाहिए, ठीक है। बहुत सी वीडियोस में आपको देखा होगा कि इसमें यही कहा जाता है कि व्हिपिंग क्रीम को एक सर्टन टेम्परेचर पे यानी कि बीट किया जाता है। तो जब अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी जल्दी गिर जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस बोल में जो है वो बर्फ़ रखी है, थोड़ा सा पानी रखा है ताकि वो पानी जो है वो पतीली को टच होता रहेगा तो हमारी स्टील की पतीली ठंडी रहेगी। स्टील की पतीली के अंदर है जी व्हिपिंग क्रीम, तो वो भी ठंडी रहेगी, ठीक है। और एक और पॉइंट भी मैं आपको बता दूँ, जिस जगह पर आप ये काम करें वो जगह वो कमरा ठंडा होना चाहिए। ठंडे से मुराद बेशक वहाँ पे एसी ना चल रहा हो लेकिन वो थोड़ा सा हवादार हो। आपने पंखा बंद कर देना है, ठीक है। मैं जो इस वक्त व्हिपिंग कर रही हूँ ना, क्रीम को व्हिप कर रही हूँ, मेरा फ़ैन ऑफ था। किचन में आपने काम नहीं करना, फ़ैन को ऑफ रखना है, ठीक है। और कोशिश करें कि आपका रूम जो है वो एरी हो, और बर्फ़ का भी इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, आपकी क्रीम जो है वो बहुत अच्छी व्हिप होगी, ठीक है। अच्छा जी, मेरी 50-60% क्रीम व्हिप हो गई थी तो मैंने क्या किया, स्पैचुला से साइड वाली जो जितनी भी क्रीम थी उसको मैं सेंटर में ले आई थी ताकि जो साइड पे लगी हुई होती है ना क्रीम, जो पतीली की सरफेस पे टच होती है, बिल्कुल साइड पे देखें पतीली की जो वॉल पे, तो वो व्हिप नहीं होती, तो उसको भी सेंटर में ले आया करें स्पैचुला की मदद से। इस तरीके से वो भी अच्छे तरीके से व्हिप हो जाएगी, तो पूरी की पूरी क्रीम प्रॉपरली व्हिप होगी, ठीक है ना। अब देखिए गर्मी बहुत है, हमें खुद गर्मी लग रही होती है, लेकिन मैं तो विदाउट फैन जो है काम करती हूँ। एसी वाला रूम भी मेरा नहीं होता ना, मेरा इसमें कूलर चलाती हूँ ना मैं पंखा चलाती हूँ, क्योंकि पंखा या हवा इस क्रीम को जब लगती है तो क्रीम बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि पंखे से गर्म हवा ही आ रही होती है ना, तो उस गर्म हवा की वजह से क्रीम बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, मुझे ये क्रीम ज़रा सी सॉफ्ट लग रही थी, ज़रा सी, वरना ये हमारी 90% तक तो व्हिप हो गई थी, ठीक है। स्पैचुला से भी नहीं गिर रही, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हार्ड व्हिप करूँगी क्योंकि गर्मी है, तो इसको मैं हार्ड व्हिप ही करूँगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले सर्दियों में भी दिखाया कि क्रीम को मैं हार्ड व्हिप करती हूँ, सेम मैंने क्रीम को हार्ड व्हिप ही करना है, ठीक है। और क्रीम को मैंने टच करके देखा था, क्रीम और पतीली माशाल्लाह दोनों बड़ी ठंडी हैं, तो इसलिए इसका जो व्हिपिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है और क्रीम जो है वो काफ़ी देर तक स्टेबल भी रहती है, ठीक है। अच्छे तरीके से हम इसको थोड़ा सा मैं हार्ड व्हिप करूँगी ताकि हमारी क्रीम जल्दी से मेल्ट ना हो। और जब ये क्रीम प्रॉपरली हार्ड व्हिप होने लगती है तो ये क्रीम जो है ना वो आपस से हटना शुरू हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि ये क्रीम जो है जैसे ही प्रॉपरली व्हिप होगी, ये जो हमारे बीटर के जो पैडल्स हैं उससे, ये देखें जैसे अब मैं इशारा कर रही हूँ, देखो आप दिखा रही हूँ कि ये क्रीम जो है वो थोड़ा थोड़ा सा हटना शुरू हो गई है, अलग होना शुरू हो गई है बीटर के पैडल से। तो इसका मतलब है कि अब हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली हार्ड व्हिप हो चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड व्हिप नहीं करना आपने, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रीम को हार्ड व्हिप कर दिया, वो क्रीम जो है उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाएंगे और वो बहुत जल्दी जो है वो फट भी जाएगी। तो आपने ओवर व्हिप नहीं करना, बस हल्का सा हार्ड व्हिप करना है, ठीक है। जैसे ही क्रीम पेडल से हटना शुरू हो जाएगी आपने क्रीम मशीन को रोक देना है, ठीक है। अब मैं इसके पेडल्स निकाल दूँगी और क्रीम को जो है स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इससे ये है कि इसमें जितने भी एयर बबल्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं और क्रीम बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए हमारी क्रीम बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब जो नीचे बर्फ़ वाला पानी था और जो बर्फ़ थी, इसको मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी भाई, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें बर्फ़ मिल रही है, पानी मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोल में डाला और उसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर से फ्रीज़ करूँगी और मुझे जब ज़रूरत होगी मैं इसी को यूज़ करूँगी, मतलब ये बर्फ़ बन जाएगी तो फिर मैं अगेन इसी को यूज़ करूँगी अपनी क्रीम को व्हिप करने के। हमें हर एक नेमत का ख्याल रखना चाहिए कि वो ज़ाया ना हो, ठीक है। अब क्रीम मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ले लूँगी पाइपिंग बैग में।
और बाकी फ्रीज क्रीम को जो है मैं पतीली समेत फ्रिज में रखूंगी और ऊपर ऊपर वाले शेल्फ में रखूंगी। ठीक है, आपने इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना और टॉप शेल्फ पे रखना है। अब यहाँ पे मैं बना रही थी 1 पाउंड केक और 1 पाउंड के लिए जो है 150 ग्राम इनफ होती है। ठीक है, इसमें आपका केक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है पूरे वजन के साथ। तो वही वनीला स्पंज है जो मैं आपको कई बार सिखा चुकी हूँ और इसके लिए अच्छा। अब यहाँ पे स्पंज के लिए जो मैं आपको टिप्स दूंगी वो क्या है कि आपने स्पंज फ्रिज वाला यूज़ करना है, यानी कि आपका स्पंज ठंडा हो, जो आप शुगर सिरप यूज़ कर रहे हैं वो भी ठंडा हो। ठीक है, तो इससे क्रीम को ज़्यादा स्टे मिलेगा। अब मैंने ठंडे स्पंज के ऊपर जो है वो ठंडे ही शुगर सिरप से इसकी सोकिंग की है और अब मैं इसकी सेंटर फिलिंग कर रही हूँ। ठीक है, और पाइपिंग बैग में अगर आपने क्रीम को रखा है तो आपने जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि पाइपिंग बैग प्लास्टिक का होता है तो प्लास्टिक में क्रीम बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब देखें, मैंने जल्दी जल्दी काम किया तो क्रीम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल थी और ये क्रीम थोड़ी हो रही थी तो बस मैंने इसी पे गुजर बसर किया। हालाँकि मुझे क्रम कोटिंग में थोड़ी सी क्रीम और लेनी चाहिए थी, लेकिन बस वो मुझे पता था कि इसके ज़्यादा क्रम्स नहीं निकले तो बस मैंने उसी क्रीम से ही इसकी क्रम कोटिंग कर ली। और क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने इस केक को तकरीबन 10 मिनट फ्रीज़र में रखा। 10 मिनट के बाद मैंने इसको जो है आधे और एक घंटे के दरमियान तक मैंने इसको फ्रिज में रखा था ताकि ये बहुत अच्छा ठंडा हो। अब बहुत ज़्यादा ठंडा था तो मैं जब इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि भी क्रीम मेल्ट होगी, क्योंकि स्पंज ठंडा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा है और क्रीम तो ऑलरेडी ही ठंडी है, तो अब मैं थोड़ा सा इत्मीनान मुझे था कि अब तो क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा थोड़ा तेज़ हाथ चलाना है। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने इसकी फाइनल प्लास्टर की है, इसके मैं शार्प एजेस बनाऊंगी और इसकी मैं कर दूंगी डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग बहुत सिंपल सी की थी क्योंकि कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी। आप लोगों ने बताना है कि ये केक आपको कैसा लगा। और दूसरा आपने ये भी याद रखना है कि जब आप लोग केक की मुकम्मल फ्रॉस्टिंग कर लेंगे, डेकोरेशन कर लेंगे, तो कम अज़ कम 3 से 4 घंटे के लिए आपने केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है, उसके बाद ही आपने कस्टमर तक इसको डिलीवर करना है, फिर ये सेफली डिलीवर होगा इंशाल्लाह। और आप लोगों ने ये भी ज़रूर बताना है कि भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी। भाई मैंने तो अपनी तरफ से जितनी भी मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स थी, जैसे मैं क्रीम को विप करती हूँ, जी जान लगा के मैंने आपको सारा समझाने की पूरी कोशिश की है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, अपनी मिस्टेक से सीखा है और अल्लाह के करम से सीखा है। ठीक है, अल्लाह का फजल करम था तो ही मैं सीख पाई हूँ। तो फिर मेरा भी, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में देखा है कि बहुत से लोग परेशान हैं कि भी क्रीम मेल्ट हो जाती है और केक की लुक ख़राब हो जाती है, फ्लावर्स अच्छे नहीं बनते। तो मैंने सोचा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि अल्लाह के फजल करम से मुझे हासिल हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसके डिज़ाइनिंग करूंगी, फ्लावर्स बनाऊंगी, तो वो फ्लावर्स की क्रीम भी बड़ी ही परफेक्ट सी होगी। उसमें जो फ्लावर के एजेस बनेंगे, जो फ्लावर की लुक होगी, वो भी आप देखिएगा बड़ी ही परफेक्ट सी होगी। तो होपफुली मैं आज सक्सेसफुल हुई होंगी आपको ये चीज़ सिखाने में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों का बेकिंग नॉलेज इस तरीके से ग्रो करता जाए। और मेरे वीडियोस को ज़रूर देखा करें ताकि मेरा चैनल भी अच्छे तरीके से ग्रो किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। और जो मैं कम्युनिटी में पोस्ट लगाती हूँ ना, वहाँ पर भी आप कमेंट किया करें, उसको भी लाइक किया करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने इसी तरीके से क्रीम को विप करना है, स्पंज भी बनाना है और अच्छा सा केक भी बनाना है। और उसका फीडबैक जो है वो मुझे कमेंट में देना है और उसकी पिक्चर्स जो है वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मेरे बायो में है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।